नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर, हिजाब का विवाद पहुंचा चंडीगढ़। प्लाजा में हिजाब व बुरका पहन महिलाओं ने किया प्रदर्शन, कहा पहनावे की आड़ में देश को बांट रही सरकार। सोमवार से हाई कोर्ट में भी लगेगी फिजिकल कोर्ट, वकीलों ने ली राहत की सांस। और चंडीगढ़ के व्यापारी उतरे सड़कों पर, वायलेशन के नोटिसों के विरोध में प्रशासन से लड़ेंगे आर पार की लड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। हिजाब पहनने को लेकर छिड़ा विवाद अब ट्राई सिटी में भी पहुंच गया है। चंडीगढ़ में इसे लेकर आज मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सेक्टर 17 प्लाजा में इकट्ठी हुई महिलाओं ने बुरके और हिजाब पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन महिलाओं का कहना था कि सरकार पहनावे को लेकर देश को बांट रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदू सिख ईसाई भाई भाई का नारा लगाया जाता है और दूसरी तरफ पहनावे को लेकर इस तरह के बंटवारे के वह सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इसकी आज़ादी महिलाओं को होनी चाहिए कि वो क्या पहने और क्या ना पहने, उन पर आदेश थोपे नहीं जा सकते। हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब देश के अन्य राज्यों में भी फैलता जा रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई छात्राएं हिजाब पहने हुए थी और इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना था कि महिलाएं क्या पहने और क्या ना पहने, इसका निर्णय लेने का फैसला सिर्फ उन्हीं का होगा। आप किसी को उसका पहनावे पर विरोध नहीं कर सकते। सर, जिहड़ा अज दा प्रदर्शन है ये तुसीं देखिया ही है, कुछ दिन पहला एक वीडियो आई सीगी कर्नाटक दे विच, एक कुड़ी ने जिहाद बुरका पाया होया ते जिहड़े थोड़े उत्थे कॉलेज वाले जिन्हां ने हत्थां दे विच भगवे कपड़े फड़े हुए ने, श्री राम दे नारे ला रहे ने, उन्हूं कह रहे ने जी कॉलेज तो बाहर जाओ। पर मैं एक गल पुछना चाहुंदा भी असीं एक पासे नारा लाउंदे आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर एक पासे तुसी हालात देखो की ने देश दे। ए मोदी जिहड़ी सरकार है जी, RSS दी सरकार है, इसने देश दा भट्ठा बिठाता, देश दे विच वंडियां पातियां इन्हां ने। वंडी किस नाँ ते पैंदी है? धर्म दे नाँ ते। और उसी नूं ये मुद्दा बनांदे ने, उसी नूं चकदे ने। पर मैं इन्हां नूं एक कहना चाहुंदा, ये जिहड़े भगवे लैके फिरदे ने ना, भी मोदी भगत ना बनो। जे देश दा कुछ करना तां देश भगत बनो, पहलां मोदी भगत ना बनो। ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान बोलो यार, सबसे पहले इंसान बनो। ये हर तरह के नाल जदों असीं उही गल दे भी ये उहो बंदे ने जिहड़े अज सत्ता दे विच बैठे ने, ये उन्होंने चेले ने जिन्हां ने 47 तो पहला जदों मुख लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ सी, तां सावरकर ने अपनी किताब दे विच लिखिया, कहिंदा वी सानू अपनी जिहड़ी एनर्जी है, सानू अपनी जिहड़ी ऊर्जा वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़न की थान पर मुसलमाना ईसाइया नास्तकों के खिलाफ लड़नी चाहिए है, भी ये साडे असल दुश्मन ने। इस करके ये साफ है, ये उस पहले दिन तो यही नारा देंगे ने। इन्हां लई कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भरा भरा नहीं है। इन्होंने उदों भी जिहड़े नफरत के बीज लोगों के बीजे ने, अज भी उस तरह दी कोशिशां जिहड़ियां होर ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, तो इहदा विरोध भी लोगों को करना पैणा। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ CANRC ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਰਾ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕੇ ਮੁੱਦੋਂ ਕੋ ਭੜਕਾ ਕਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇ ਜਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ मामले में अंतरिम फैसला भी दिया है, तो जरूरत है कि इस कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए, इस तरह के विरोध प्रदर्शन ना किए जाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन एक तरफ शहर में स्मार्ट सिटी को लेकर 200 नए बस स्टॉप बनाने जा रहा है, लेकिन मौजूदा बस स्टॉपों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी क्षण कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
इनकी दीवारें जर्जर हालत में हैं, छतें टपक रही हैं जो कि किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इस संबंध में पंजाब केसरी की टीम ने चंडीगढ़ का दौरा किया और पाया कि पुराने बड़े बस स्टॉपों की हालात काफ़ी खस्ता हो चली है, जिसे तुरंत रिपेयर की जरूरत है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में लंबे अरसे के बाद सोमवार यानी कि 14 फरवरी से फिजिकल अदालतें लगनी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल 50% अदालतें ही फिजिकल लगेंगी, जिसमें वकील भी खुद पेश होकर पैरवी कर सकेंगे। ऑड और इवन के हिसाब से अब अदालतें लगेंगी, जिसके लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से कोर्ट्स की और जजों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच भी अब सप्ताह में 3 दिन फिजिकल सुनवाई करेगी। यह कोर्ट्स सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लगा करेगी। पिंजौर के मल्ला रोड में कालका और शिमला हाईवे पर वीरवार को रात 10:30 के बाद कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कारण था सड़क की हालत खराब होना और आसपास हो रहे निर्माण कार्य के बीच में बजरी का सड़क पर बिखर जाना। सबसे पहले एक इनोवा कार वहां आई और ब्रेक लगाते ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई। पीछे से I-20 कार आ रही थी, जिसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसके बाद लगातार कई वाहन यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गए और काफ़ी नुकसान हुआ। PCR का वाहन भी मौके पर खड़ा सब देखता रहा, लेकिन सब लाचार थे। अगर आप भी शिमला कालका हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आप भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। दरअसल पिंजौर मोहल्ला मोड़ के नजदीक शिमला कालका हाईवे पर वीरवार रात दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, लेकिन हाईवे पर रोड का काम या वाहन धीमी गति से चलाने जैसा कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है और रोड पर बजरी बिखरी होने के कारण गाड़ियों का संतुलन बिगड़ने से एकाएक कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। ये सभी गाड़ियां शिमला से पंचकूला की ओर आ रही थी। सबसे पहले एक इनोवा गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से वो गाड़ी पलट गई। उस गाड़ी को सीधा करवाने के लिए क्रेन मशीन को बुलाया गया और इसी दौरान एक I-20 गाड़ी भी बैलेंस बिगड़ने से क्षतिग्रस्त हो गई। चक्कर में उसको आपकी गाड़ी खड़ी थी रोड पे? हाँ, रोड पे खड़ी थी आपकी गाड़ी? रोड पे खड़ी थी, वाइफ अंदर बैठी थी, वहीं पे थे एंड मैंने आते हुए देखा तो मैं भाग के गया कि इसको बोलूं वाइफ को बाहर निकलने के लिए। ओके, बट ये डोर से दरवाजा की खिंचाई भी टूटा, मैं फिर सड़क पे वहीं पे उसके सामने ही गिरा था। तो बट बात यह है कि नाराजगी इस बात की है कि पुलिस को बहुत देर से कहा जा रहा था कि उससे जहां पर ये रोड खुरची हुई है, स्लिपरी है, उससे थोड़ा पीछे एक नोटिफिकेशन लगाया जाए, एक बोर्ड लगाया जाए, एक बैरिकेड लगा दे ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियां स्लो हो। पर फॉर हाफ एन आवर और 40 मिनट्स और 1 आवर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, पीछे से आने वाली गाड़ियों को स्लो करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। सर, रोड वालों की बहुत बड़ी गलती है सर, बिल्कुल है, 100% है, उनको उनका डेली का काम है, उनको मालूम होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले भी आके यही कह रहे हैं कि रोड वालों की गलती है। हुआ था एक्चुअली ये ना रोड यहाँ पे इन्होंने उखड़ी हुई है, कुछ रिपेयर वगैरह कर रहे होंगे, बट ये बड़ी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट कोई वहाँ पे पुट अप करना चाहिए था, कोई बोर्ड वगैरह की यहाँ पे इस तरह से रास्ता खराब है, थोड़ा स्लो हो, जैसे भी आओ। अब वहां से हमारे आने से पहले, आधा घंटा आने से पहले एक इनोवा पलट के हटी है, उसके बाद ये बता रहे हैं यहाँ पे लोग कि एक बाइक वाला था बेचारा, वो गिरता गिरता बचा है, उसके बाद हम लोग आए हैं, हमारी गाड़ी मेरी खुद उसी तरह से था, हम लोग हार्डली 60 के आसपास की मेरी स्पीड होगी, इससे ज्यादा स्पीड नहीं थी मेरी। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, फिर वही चीज है, बिकॉज यहाँ पे रोड बुरी तरह से उखड़ी हुई है, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी सडनली, तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और मतलब इस तरह से मैं बिल्कुल सीधा आ रहा था, इतने आउट ऑफ कंट्रोल की पहले इस तरफ को गई है, जिगजैग होके 60 डिग्री के ऊपर डिवाइडर पे हिट हुई है। कहने का भाव, एक तो नोवा गाड़ी बैलेंस बिगड़ने से पलटी, बिल्कुल, एक आपकी गाड़ी पलटी, हमारी गाड़ी पलटी, और तीसरा एक पीछे से ट्रक आया। हाँ, फिर हमने लगा मेरी गाड़ी सिर्फ एक पिछले एक मेरा सिर्फ टायर ही वहाँ से ब्लास्ट हुआ था, इतना ही मेरा नुकसान हुआ था अभी तक। ठीक है, फिर उसके बाद दो पुलिस वाले भी आ गए थे, उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि सर आप एटलीस्ट कुछ यहाँ पे करवाओ, उन्होंने खैर अपने एंड पे कुछ मेजर्स किए होंगे नहीं किए होंगे दैट आई डोंट नो, बट इतने ही अंतराल के अंदर 15-20 मिनट तो मेरे को खड़े हुए ऑलरेडी हो चुके थे, आधा घंटे ऑलमोस्ट हो चुका होगा। फिर उसके बाद फर्दर पीछे से एक और ट्रक आया, उसने बैलेंस लूज किया और यहाँ जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सभी को हिट करता हुआ, देखो मेरी गाड़ी का हाल देखो, अब सिर्फ एक सिंगल टायर ब्लास्ट था एंड अब कुछ भी नहीं बचा।
तो ये वैसे और क्या हुआ, क्या कह सकते हैं किसकी नेगलिजेंस है किसकी नहीं है। बाकी चोरी ये मोड़ के साथ ही पूरी की पूरी रोड इन्होंने तोड़ दी, ना कोई बैरिकेड लगाया ना कोई आगे शिमला बाईपास लगाया। शिमला बाईपास हाँ, यहाँ पे ना कोई इन्होंने साइन लगाया हाईवे पे, ना कोई इन्होंने बैरिकेड लगाया। तो जैसे ही वो स्मूथ रोड से अचानक गाड़ी नीचे उतरी है, तो गाड़ी नीचे उतरते ही यहाँ पे बजरी और रोड़ी है, तो उसका गाड़ी का बैलेंस आउट हुआ, मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्वेवल होके और ये साइड में लगी पार्चमेंट के, और पार्चमेंट के लगते ही गाड़ी पलट गई। तो मैं आई वॉज द ओनली ड्राइवर, अकेला बैठा था इसके अंदर, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वॉज फिट एंड फाइन। मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के बाद में एक दूसरी गाड़ी थी वो भी स्विवल होके उस तरफ लगी, उसका भी एक्सल टेढ़ा हो गया, वो भी गाड़ी कंडम हो गई। फिर ये मेरा क्रेन वाला आया, वो रिकवरी लेके जा रहे थे हम गाड़ी, इतने में पीछे से एक और ट्रक आया, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इस घटिया सड़क की वजह से, और उसने कम से कम तीन गाड़ियों को और ठोक दिया। और तीन गाड़ियों को ठोकने के साथ साथ जो मेरा बेचारा क्रेन की रिकवरी वाला कंडक्टर था, वो ही हैज सफर्ड वेरी वेरी मेजर ब्लो यहाँ पे सिर पे, और आई गेस वेरी क्लोज टू डेथ। एंड थैंक गॉड हम बच गए, हमें नहीं पता डेथ हुई है नहीं, बट बहुत तेज लगी है उसके, चोट लगी है ट्रक से। बाकी आप हादसे के बाद मौके पर पुलिस की पीसीआर गाड़ी और क्यूआरटी बाइक इनकी सहायता के लिए पहुंची। अभी इन गाड़ियों से व्यक्तियों को निकाला ही जा रहा था कि इतने में एक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। रोड खराब होने के कारण ये ट्रक I-20 इनोवा, पुलिस की पीसीआर, पुलिस की क्यूआरटी बाइक और पलटी हुई इनोवा गाड़ी को लेने आई क्रेन और दूसरी इनोवा गाड़ी में जा टकराया, और इस ट्रक के टकराने से क्रेन मशीन का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पिंजौर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे कालका रेफर कर दिया गया। हमारे क्यूआरटी पे जो है ना फोन आया था, हमारी जो ट्रैफिक क्यूआरटी है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो हम मौके पे गए वहाँ पे, तो जो गाड़ी पलटी हुई थी उसको ड्राइवर को तो चोट नहीं आई, बच गया था वो, तो गाड़ी अपनी वो हम सीधी करा देते थे, तो पीछे से ट्रक आया तो जो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, उसने ज़्यादा स्पीड में था वो, हम भी साइड में दौड़े और जो हमारी जवारसी थी वहाँ उसको वो ख़त्म होगी, उसको बिल्कुल चोट वो तो इंजर्ड ख़त्म होगी, तो जिसमें एक इंजर्ड होया वहाँ पे ड्राइवर उसका कंडक्टर था, ड्राइवर ये अभी कह नहीं सकते, उसे हम तुरंत लेके हॉस्पिटल में आया। इस हादसे में दो पुलिस कर्मियों और गाड़ी चालकों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेवार कौन है, नेशनल हाईवे पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, NH होने के बावजूद भी सड़क पर कोई चेतावनी साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ का व्यापारी वर्ग चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो गया है। इन व्यापारियों का आरोप है कि चंडीगढ़ प्रशासन बावजूद उन्हें आश्वासन देने के लगातार उन्हें वायलेशन के नोटिस भेज रहा है और कारण बताने के लिए कह रहा है। बड़े बड़े जुर्माने भी इन व्यापारियों को लगाए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने यहां से पलायन तक का मन बना लिया है। कई इंडस्ट्रीज यहां से बंद होकर हरियाणा और पंजाब में स्थानांतरित हो गई है। इन व्यापारियों ने प्रशासन के इस नीति के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन भी किया। ट्रिब्यून चौक तक एक रोष मार्च निकाला गया, जहां ट्रिब्यून चौक पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों के नेता कैलाश जैन ने कहा है कि प्रशासन उन्हें लगातार परेशान कर रहा है और हर वक्त उनकी गर्दन पर प्रशासन की तलवार लटकी रहती है। उन्होंने कहा कि तनाव में व्यापारी काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वायलेशन के नोटिस भेजना बंद करें और बैठकर व्यापारियों की समस्या का हल निकाला जाए। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेस एक और फेस दो के सभी व्यापारी अब प्रशासन से आर पार की लड़ाई पर उतर चुके हैं। दरअसल ये व्यापारी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से अपील कर रहे थे, लेकिन मांगे पूरी ना होने के चलते इन व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं शुक्रवार को इस अनिश्चित भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हड़ताल के दौरान व्यापारियों ने इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर ट्रिब्यून चौक तक रोष मार्च निकाला और प्रदर्शन किया, जिसमें प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन उन्हें प्रशासन की ओर से शो कॉज नोटिस भेजे जाते हैं और व्यापारी प्रशासन के रवैये से तंग आ चुके हैं। ऐसे में अब अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यहां से इंडस्ट्री हरियाणा और पंजाब में पलायन कर दी जाएगी। ऐसा है भाई साहब, जो आप पूछ रहे हैं मैं फिर बोलता हूं कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर
सब व्यक्तियों को अलग अलग बताया, बहुत से मुद्दे हैं। मैं फिर एक ही बात में ख़त्म करना चाहता हूं कि प्रशासन के पास इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1-2 से, छोटे ट्रेडर से, दुकानदारों से बहुत बार मेमोरेंडम हमारे पास जा चुके हैं। उनके पास हर पहलू है, हमारी हर डिमांड उनके पास है। आपके माध्यम से, बाकी जो मीडिया के भाई नहीं आए हमें लाइव देखा, उनके माध्यम से हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जितनी डिमांड उनके पास गई हुई हैं भाई, उसमें से कुछ डिमांड तो पूरी कर दो। 25 साल से दरकिनार हमें कर रहे हो, ऐसा काम मत कीजिए कि हम रोड पे आ गए हैं। पर आपने जो एक बात अभी से पूछी थी, मैं फिर कहता हूँ कि हमारे द्वारा एक भूख हड़ताल अनिश्चित काल के लिए शुरू की गई है। व्यापारी रोज़ कोई ना कोई बैठेगा, ये हड़ताल हमारी चलती रहेगी जब तक हमारे निवारण नहीं होते। हम ये भी नहीं कहते कि प्रशासन के गले में अंगूठा भी नहीं देते कि भाई जो हमने कहा सारा ही आप कर दो, उन्हें हम कहते हैं आगे कुछ तो करो। ऐसा जी, यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन में हम कई बार जा चुके हैं, कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी हैं। एडवाइज़र आते हैं, गवर्नर आते हैं, डीसी साहब बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, सभी बैठे हैं। वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट कर देते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन लेके और फाइल के अंदर लगा लेते हैं। समाधान क्यों नहीं कर रही, ये समझ में नहीं आता। किसी भी व्यापारी भाई का काम नहीं है कि वो सड़क पे आए, उसका काम है बिजनेस करे, लोगों को रोज़गार दे, सरकार को टैक्स दे और अपने बच्चों को पाले वो। बट सरकार को यहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें समाधान चाहिए जो सरकार ही कर सकती है। हमारा काम नहीं है लड़ाई झगड़ा करना या ये प्रदर्शन करना। आज भी जो हमने प्रदर्शन किया है, बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, और हमने एक अपने जो व्यापारी भाई हैं, जो हमारा सिस्टम बनता है, उस सिस्टम में आके पूरा कोऑपरेट करके हमें यहाँ आना पड़ा, जो कि हम आज तक यहाँ पे नहीं आए। हमने अपने घर में बैठ के अपने तरीके से हर चीज़ को सॉल्व किया है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है, अभी हमारे एडवाइज़र साहब नए आ गए हैं, गवर्नर साहब नए आ गए हैं, इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी किसी भी तरीके से हमारा अगर ये समाधान कर देते हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने तो बिजनेस करना है, अंतिम हमारा क्या होगा कि हमें चंडीगढ़ छोड़ के हरियाणा या पंजाब में पलायन करना पड़ेगा। आज हम चंडीगढ़ वासी हैं, कल को हम पंजाब वासी या हरियाणा वासी हो जाएंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को पहले भी ये दिक्कतें आई हैं, यहाँ पे जब इन्होंने नहीं सुनी तो यहाँ से पलायन कर गए, अपनी फ्रूट मंडी भी यहाँ से पलायन कर गई थी। दोबारा फिर उनको यहाँ पे लाने की बहुत कोशिश की गई, बहुत उनके साथ जद्दोहद हुई है। आज ऐसा ना हो कि हमें भी यहाँ से पलायन करना पड़े और हमें फिर दूसरी जगह जाके, अगर एक बार दुकानदार भाई वहाँ बस जाता है तो दोबारा आने के बारे में नहीं सोचता। हमें ये समझेंगे कि हमें वतन निकाला दिया गया है। सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे साथ वो कोऑपरेट करे, अपने तरीके से, किसी भी तरीके से हमारे से मीटिंग करके, बात करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिया। व्यापारियों के एक में फैसला हो, एक कमेटी बनाए, कमेटी बना के जिसमें व्यापारियों के भी जो प्रतिनिधि शामिल हों, इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधि शामिल हों और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि शामिल हों, बैठ के कमेटी बनाए और ये फैसला करके जो एक पॉलिसी है। पिछले दिनों गवर्नर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था हम पॉलिसी बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन वो पॉलिसी बनाने की बजाय दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, जो कि शरेआम गलत है, बिल्कुल गलत है। तंग नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, इनके लिए एक पॉलिसी बनाएं और इनको राहत दी जानी चाहिए। चंडीगढ़ में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाया जाना चाहिए और दुकानदारों के हक में पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। व्यापारियों का आरोप है कि चंडीगढ़ में अफसरशाही हावी है, ऐसे में व्यापारी तंग हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया के दुकानदार अपनी जगहों पर ही काम कर रहे हैं। चेंज ऑफ ट्रेंड के तहत अगर इंडस्ट्रियल एरिया में दुकानें खोली गई हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है। व्यापारियों को जलन ट्रेंड की इजाजत मिलनी चाहिए। पंजाब के सिटी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। फुटपाथ साइकिल वर्कर्स यूनियन ने एक एनजीओ द्वारा सरकारी काम में दखल डालकर सरकार से मिला जुला एक चलान फॉर्म बना लिया है और उस चलान फॉर्म के बदले इन रेडी फड़ी वालों से जबरन वसूली की जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से भी की है। जब इस मामले में प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग से पूछा गया तो उनका यह कहना था कि इस तरह की अनुमति किसी भी एनजीओ को नहीं दी गई और अगर उन्होंने सरकार से मिलता जुलता फॉर्म छपवाकर लोगों के चलान काटने शुरू किए हैं और नोटिस देने शुरू किए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। बहरहाल अभी तक प्रशासन को इसकी शिकायत नहीं मिली है। इन रेडी फड़ी वालों का कहना था कि वह बीड़ी, सिगरेट और अन्य सामान सड़क किनारे लगाकर बेचते हैं, लेकिन उन्हें आए दिन मोहाली की एक एनजीओ नोटिस थमा रही है और उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूल रही है और उन पर मामले दर्ज करने के लिए उन्हें धमकाया भी जा रहा है। आज भी इस संबंध में रेडी फड़ी वालों ने जोरदार प्रदर्शन किया और उस एनजीओ के कार्यालय के बाहर जाकर भी नारेबाजी की। और अब कोरोना अपडेट। ट्राइसिटी में हालांकि कोरोना के मरीजों की गिनती काफी कम हो गई है और नए मरीज भी कम आ रहे हैं, लेकिन मौतें हैं कि थम नहीं रही।
ट्राई सिटी में आज भी 5 लोगों ने कोरोना से जंग हार दी, जिसमें चंडीगढ़ में 3, पंचकुला और मोहाली में 1-1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में 95 नए मरीज सामने आए और 3 लोगों की मौत हुई है। अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीज 728 बचे हैं। वहीं पंचकुला में 41 नए पेशेंट आए हैं और 1 पेशेंट की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद अब पंचकुला में एक्टिव मरीज 258 रह गए हैं। मोहाली की बात करें तो आज भी वहां 81 नए मरीज आए, 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब मोहाली में एक्टिव मरीज 742 बचे हैं। ट्राई सिटी में कुल 1728 मरीज रह गए हैं। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में कोई खास बदलाव आने वाला नहीं है, लेकिन सर्द हवाओं के बीच रात के तापमान में कुछ गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपसे एक बार फिर वही गुजारिश कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, कोरोना से खुद भी बचें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी बचाएं। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक आप बने रहें पंजाब के सी टीवी के साथ। नमस्कार।